भारतीय सेना में शामिल होने के लिए एक नया सिपह सालार तैयार हो गया है। गहरे पानी के इस योद्धा का नाम है INS अरिखात। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और घातक हथियारों के साथ लैस ये न्यूक्लियर सबमरीन समंदर में हिंदुस्तान की ताकत का प्रमाण है। समंदर पर ताकतवर सिपह सालार, दुश्मनों पर घातक वार, गहरे पानी में गोता लगाने का दम और लहरों को चीरने का हुनर और हिंदुस्तान की सरहदों की निरंतर निगरानी की क्षमता। 3 तरफ से समंदर में घिरे हिंदुस्तान की समुद्री सीमा की हिफाजत करने के लिए नौसेना को एक और गोताखोर योद्धा मिलने जा रहा है। नाम है INS अरिखात। भारत की दूसरी न्यूक्लियर पावर सबमरीन INS अरिखात कल नौसेना में शामिल होने जा रही है। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से हिंदुस्तान में बनी इस पनडुब्बी को कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नेवी के अधिकारियों की मौजूदगी में नौसेना में शामिल करेंगे। INS अरिघात अरिहंत क्लास की एक विशालकाय पनडुब्बी है। इस स्वदेशी पनडुब्बी का निर्माण विशाखापट्टनम शिप बिल्डिंग सेंटर में एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। इसकी लंबाई 111.6 मीटर है, चौड़ाई 11 मीटर और ऊंचाई 9.5 मीटर है। ये पानी में 1400 फीट गहराई तक जा सकती है। सतह पर इसकी रफ्तार 28 किलोमीटर प्रति घंटा है और पानी के अंदर 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। न्यूक्लियर सबमरीन होने की वजह से इस पनडुब्बी को बार बार ईंधन की जरूरत नहीं होती है। इस पनडुब्बी के अंदर ही एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है। इसका फायदा यह है कि ये पनडुब्बी बिना किनारे पर आए समंदर में अनंत काल तक गोते लगा सकती है। इसे सिर्फ नौसैनिकों के खाने की सप्लाई और मेंटेनेंस के लिए किनारे पर आना पड़ता है। ये न्यूक्लियर सबमरीन कई घातक हथियारों और मिसाइलों से लैस है। INS अरिघात में 12 K-15 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात है। इसकी रेंज 750 किलोमीटर है। ये पनडुब्बी 4 K-4 मिसाइलों से लैस है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। इसमें 21 इंच के 6 टॉरपीडो मिसाइल भी लगाई गई हैं। इसमें टॉरपीडो ट्यूब्स भी लगे हैं। ये ट्यूब्स टॉरपीडो मिसाइलें और बारूदी सुरंग बिछाने का काम करती हैं। भारत की समुद्री सीमा के सुरक्षा चक्र को और मजबूत बनाने के लिए नौसेना प्रोजेक्ट 75 के तहत पारंपरिक पनडुब्बियों के साथ ही न्यूक्लियर पनडुब्बियों की फौज को लगातार बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। इसमें कलावरी क्लास की 6 न्यूक्लियर सबमरीन का निर्माण भी शामिल है। INS अरिघात के नौसेना में शामिल होने से भारत की समुद्री ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। समुद्र में इस पनडुब्बी की मौजूदगी से ही देश के दुश्मन हिंदुस्तान की सरहदों की तरफ आंख उठाने की हिम्मत तक नहीं कर पाएंगे। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राष्ट्र रक्षा के संकल्प में अब बात एक ऐसे हथियार की जिसने अपनी ताकत से भारतीय सेना को मुरीद बनाया है और एक बार फिर सेना इस घातक हथियार से अपने सैनिकों को लैस करने जा रही है। हम बात कर रहे हैं 6 और 7.16 असॉल्ट राइफल की, जिसकी बड़ी खेप भारत अमेरिका से खरीदने जा रहा है। भारत ने 73,000 सिग राइफल्स का ऑर्डर अमेरिकी कंपनी को दिया है। इसकी डिलीवरी के बाद भारतीय सेना के पास 1.45 लाख से ज्यादा 6 और 7.16 असॉल्ट राइफल्स हो जाएंगी। लंबी दूरी तक मार करने वाली इस असॉल्ट राइफल को चीन और पाकिस्तान से सटी फॉरवर्ड पोस्ट पे तैनात जवानों को दिया जाएगा। चूक, घातक, किलर, मारक क्षमता ऐसी कि 600 मीटर दूर से दुश्मन के परखच्चे उड़ा दे।
हर एक मिनट ताबड़तोड़ 685 राउंड फायरिंग कर दुश्मन कैंप में खलबली मचा दे। दुनिया के सबसे शक्तिशाली राइफल में से एक सिक्शॉर राइफल। जंग के मैदान में ये राइफल किसी गेम चेंजर से कम नहीं, और अब ये अत्याधुनिक राइफल हिंदुस्तान के रणबांकुरों का रक्षक बनने जा रहा है। भारत ने अमेरिका को 73,000 सिक्शॉर अशॉल्ट राइफल का ऑर्डर दिया है। सेना का इस राइफल से लैस होना बड़ी बात है, खास तौर से ऐसे समय पर जब भारतीय सीमा पर आतंकी गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। सिक्शॉर कंपनी के सीईओ रॉन कोहेन ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी ने हमें दोबारा ये बंदूक भेजने का ऑर्डर दिया है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। 7.16 असॉल्ट राइफल की मारक क्षमता साबित होने के बाद ही दूसरी बार खरीद को मंजूरी दी गई है। भारत 72,400 सिक्शॉर 716 असॉल्ट राइफल पहले ही खरीद चुका है। इस नई डिलीवरी के बाद भारतीय सेना के पास 1.45 लाख से ज्यादा सिक्शॉर 716 असॉल्ट राइफल हो जाएंगी। चीन और पाकिस्तान सीमा पर फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात सैनिकों को इस घातक राइफल से लैस किया जाएगा। चीन और पाकिस्तान से लगती सीमाओं और जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ अभियानों में इसका इस्तेमाल पहले से किया जा रहा है। लंबी रेंज के अलावा 100% सटीकता भी सिक्शॉर असॉल्ट राइफल खरीदने की एक बड़ी वजह है। दुनिया की सबसे बेहतरीन राइफल में शामिल सिक्शॉर 716 असॉल्ट राइफल कई खूबियों से लैस है। 7.16 असॉल्ट राइफल का कुल वजन 3.85 किलोग्राम है, जबकि राइफल की कुल लंबाई 34.39 इंच है। इसमें शामिल कार्बन स्टील से बनी बैरल यानी नली की लंबाई 16 इंच है। सिक्शॉर की इस असॉल्ट राइफल की कुल चौड़ाई 2.5 इंच है। करीब 4 किलोग्राम वाली इस राइफल की कुल ऊंचाई 8 इंच है। ये गैस ऑपरेटेड रोटेटेड बोल्ट सिस्टम वाली राइफल है। इस राइफल में 7.62x51mm नाटो ग्रेड की गोलियां लगती है। इसकी एक मैगजीन में 20 गोलियां आती है। सेमी ऑटोमेटिक सिग 716 राइफल हर मिनट 685 राउंड फायरिंग कर सकती है। इसकी रेंज 600 मीटर यानी करीब 1970 फीट है। इसके ऊपर एडजस्टेबल फ्रंट और रियर ऑप्टिक्स लगा सकते हैं, जिससे दूर बैठे दुश्मन को भी मार गिराया जा सकता है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ टकराव के बीच भारत में कलाश्निकोफ AK-203 के उत्पादन में देरी के चलते अमेरिका से ये राइफलें खरीदी गई थी। तब 72,400 राइफलों का ऑर्डर दिया गया था, जिसका इस्तेमाल आतंक के खात्मे के लिए किया जा रहा है। नई डिलीवरी के बाद आतंक के खिलाफ अभियान में और तेजी आएगी। अब तक भारतीय सेना इंसास राइफल का इस्तेमाल करती आई है, हालांकि इस्तेमाल पहले ही कम हो चुका है। माना जा रहा है कि 6.16 असॉल्ट राइफल की नई डिलीवरी के बाद भारतीय सेना इंसास का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर देगी। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लहरों के बीच में इंडियन कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाते हैं। कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर जा रहा एक कार्गो विमान समंदर में डूब गया था। डूबते जहाज पर सवार लोगों को बचाने के लिए कोस्ट गार्ड के जवान पहुंचे और विमान पर सवार लोगों को बचाया। कैसे कोस्ट गार्ड के जवानों ने तेज लहरों के बीच में मिशन जिंदगी ऑपरेशन को चलाया, उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो चलिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड का ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर जा रहा है कार्गो विमान जो कि समंदर की लहरों में फंस गया था, यहां पर डूब गया था, उसी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये पूरा सफलतापूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया। लहरों में फंसे लोग देवदूत बनकर पहुंचे इंडियन कोस्ट गार्ड। आधी रात में लहरों के बीच जान बचाने के लिए उतरे जवान। डूबते शिप से जवानों ने बचाई 11 लोगों की जान।
ये तस्वीर भारतीय तटरक्षक बलों की बहादुरी, बुलंद हौसले, जोश और जज्बे को बयां कर रही है। 26 अगस्त की वो रात जब जवानों ने एक जहाज को डूबते देखा तो जवान वहां पहुंचे और मिशन जिंदगी चलाया। दरअसल बीते दिनों कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर जा रहा एक कार्गो विमान समंदर में डूब रहा था और अब समंदर में हिचकोले खाते जहाज का ये वीडियो सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि चालक दल के सदस्य कैसे पानी के तेज बहाव के बीच फंस गए थे। इस वीडियो में समंदर की उफनती लहरों में जहाज घिरा हुआ साफ दिख रहा है, जबकि उसमें सवार क्रू मेंबर मदद की उम्मीद में बैठे हुए थे। इस बीच समंदर में कार्गो शिप को डूबता देख कोस्ट गार्ड का शिप मदद के लिए पहुंच गया। एक नाव के जरिए कोस्ट गार्ड के जवान धीरे धीरे समंदर में समाते जहाज तक पहुंचे। फिर कोस्ट गार्ड ने जहाज में फंसे सभी लोगों को लाइफ सेफ्टी जैकेट दी और अपनी नाव में बैठा लिया। खराब मौसम में कोस्ट गार्ड के जवान एक छोटी सी नाव में सभी को अपने जहाज तक लेकर पहुंचे। फिर रस्सी की मदद से सभी को कोस्ट गार्ड ने अपने जहाज पर चढ़ाया। जहाज धीरे धीरे जैसा लिस्ट होते गया, लिस्ट बढ़ते गया, हम लोग उसको करेक्शन करने की कोशिश किया लेकिन करेक्शन हो नहीं पाया तो अल्टीमेटली जहाज सिंक हो गया। उससे पहले कैप्टन साहब अबैंडन शिप का ऑर्डर दिया तो हम लोग जहाज छोड़ दिया। कोस्ट गार्ड का शिप हम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आया। थैंक्स टू कोस्ट गार्ड, वो टाइमली आ गया तो हम लोग आज जो जितना भी क्रू बचा है बच गया। लहरों के बीच फंसे लोगों के लिए कोस्ट गार्ड के जवान किसी देवदूत से कम नहीं थे। तेज लहरों के बीच इन जवानों ने अपने बुलंद हौसलों से जान की बाजी लगाकर इन लोगों को नई जिंदगी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बारिश अब भी देश के कई हिस्सों में आफत बनके बरस रही है। कई इलाके अब भी बाढ़ और बारिश से जूझ रहे हैं। लोगों की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन इन मुश्किल हालात में सभी जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का काम जारी है। बाढ़ में अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। रेस्क्यू टीम लगातार मोर्चे पर डटी हुई है और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रही है। बाढ़ बारिश से निपटने का अभियान, रेस्क्यू टीम ने डटकर संभाली कमान। दरअसल लगातार हो रही बारिश से गुजरात सहित देश के कई हिस्सों का ये हाल है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, लेकिन बाढ़ बारिश की इस लीला के बीच अच्छी बात ये है कि रेस्क्यू टीम मोर्चे पर डटी हुई है, अड़ी हुई है, हर एक जिंदगी को बचाने के लिए मुस्तैद है। रेस्क्यू टीम के जवान इस मुश्किल घड़ी में देवदूत बनकर सामने आए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों के जवानों के हौसले के आगे बलखाती लहरों ने भी सरेंडर कर दिया है। एक एक तस्वीर को देखिए, कैसे ये जवान आफत के बीच उम्मीद लेकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। गुजरात के जूनागढ़ की ये तस्वीरें हैं, जहां पानी भरने से चार लोग रास्ते में फंस गए तो एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत एक्शन लिया। कमर तक भरे पानी के बीच सभी जवानों ने प्लान तैयार किया और एक एक कर चार लोगों को सकुशल बाहर निकाल लाए। जहां पानी, जहां बाढ़ है, वहां चप्पे चप्पे पर ये जवान देवदूत बनकर पीड़ितों की रक्षा में जुटे हुए हैं। खेड़ा जिले के नाडियाद से भी रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आईं। ये बचाव अभियान करीब 12 घंटे से अधिक समय तक चला। इस दौरान शेढ़ी नदी के पास एक गौशाला में फंसे 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। संकट कितना भी बड़ा हो, लेकिन इनके हौसले के आगे वो छोटा है। राजकोट में भी एक खास रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। यहाँ एक गर्भवती महिला और उसके पति को बाढ़ के बीच से बचा लिया गया।
यानी इस ऑपरेशन में एक नन्ही जान को भी नई जिंदगी मिली। देखिए रेस्क्यू टीम ने कैसे रस्सी के जरिए एक चेन बनाई और तेज बहती धारा को मात देते हुए एक गर्भवती महिला को उसके पति के साथ सुरक्षित बाहर निकाला। राजकोट के अलावा जामनगर में भी बाढ़ बारिश का भारी असर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां भी बचाव कर्मी फुल एक्शन में हैं। ये तस्वीरें देखिए, बेड टोल नाका के पास एक कार पानी के भंवर में फंस गई। इस कार में एक ही परिवार के चार सदस्य मौजूद थे। इन लोगों ने कार के ऊपर चढ़कर मदद मांगी, फिर रेस्क्यू टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से इन्हें संकट से निकाला। अब जामनगर की एक और तस्वीर देखिए, पानी के तेज बहाव के बीच एक खंभे पर युवक फंस गया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए इस शख्स का रेस्क्यू किया गया। मकसद साफ है, हर जिंदगी जरूरी है और मिशन जिंदगी के लिए ये जवान किसी भी हालात से जूझने को तैयार रहते हैं। तभी तो पिछले 3 दिनों में ही वो 11,000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाल कर नया जीवन दान दे चुके हैं। यानी जहाँ जहाँ मुसीबत बड़ी है, वहाँ वहाँ ये जाबाज सहारा बनकर मैदान में डटे हुए हैं। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी और जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुजरात की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गुजरात में भारी बारिश से अचानक महीसागर नदी में पानी का लेवल बढ़ गया। वडोदरा में महीसागर नदी का लेवल बढ़ने से नदी के तट पर एक आदमी फंस गया। ये खबर जैसे ही प्रशासन को मिली, तुरंत राहत और बचाव अभियान को शुरू किया गया, मगर उफनती लहरों में उतरना किसी जोखिम से कम बिल्कुल नहीं था। ऐसे में हेलीकॉप्टर के जरिए बचाव अभियान चलाया गया। तुरंत हेलीकॉप्टर उस इलाके में पहुंचा और नदी के बीच मंडराने लगा। हेलीकॉप्टर नदी के बीच समतल जगह पर उतरने की कोशिश कर रहा था, मगर ये इतना आसान नहीं था। किसी तरह नदी के बीच फंसे आदमी को हेलीकॉप्टर में बिठाया गया और फिर हेलीकॉप्टर सुरक्षित ठिकाने की तरफ बढ़ गया। चलिए तस्वीरें आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की दिखा रहे हैं। गुजरात के इस वक्त हालात क्या हैं बाढ़ बारिश की वजह से, वो तो आप सभी जानते हैं। महीसागर नदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पानी का लेवल जैसे ही बढ़ा, यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लेवल बढ़ जाने की वजह से नदी के तट पर एक आदमी फंस गया था। ये खबर जैसे ही प्रशासन के पास पहुंची, तुरंत राहत बचाव टीमें वहां पर पहुंची, सफलतापूर्वक इस आदमी को बचा लिया गया। और वडोदरा के बाद बात करते जूनागढ़ की। गुजरात के जूनागढ़ में भी इसी तरह उफनती लहरों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वहां भारी बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने से कई लोग फंस गए थे। आलमगीर रहा कि उस इलाके के ज्यादातर मकान जलमग्न नजर आए। ऐसे में फंसे हुए लोगों की मदद के लिए राहत और बचाव टीम को भेजा गया। ये टीम एक ट्रक में नाव लेकर पानी से घिरे इलाकों में पहुंची, फिर नाव को पानी में उतारा गया और एक एक कर फंसे हुए लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया। वडोदरा के बाद ये तस्वीरें जूनागढ़ से, जहां पर सफल रेस्क्यू सामने आया। फिलहाल यहां पर उफनते तूफान के बीच कई लोग फंस गए थे, लेकिन एक ट्रक नाव को लेकर पानी से घिरे इलाकों में पहुंचा और वहां से लोगों को सफल रेस्क्यू किया गया। पानी में लोगों को उतारा गया, पानी से लोगों को निकाला गया और नाव को पानी में उतार कर एक एक करके फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो अब जरा गुजरात के जामनगर की भी तस्वीरें देखिए। पूरा इलाका समंदर में डूबा हुआ नजर आ रहा है। सैलाब मकानों की पहली मंजिल तक कब्जा जमाए बैठा है। लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। ज्यादातर लोग पहले ही अपने मकानों को छोड़ के सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं। इस बीच वहां एक आदमी के फंसे होने की खबर भी मिली। यह आदमी अपनी उफनती लहरों को देख अपनी जान बचाने के लिए खंभे पर चढ़ गया था। उस इलाके में नाव के जरिए पहुंचना मुमकिन नहीं था। ऐसे में हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एक हेलीकॉप्टर खंभे के सहारे खड़े उस इंसान तक पहुंचा और फिर रस्सी की मदद से उसे एयरलिफ्ट कर लिया गया। जन्माष्टमी के बाद अब गणेश उत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। अगले महीने गणेश चतुर्थी है, लिहाजा घर घर में भगवान गणेश विराजमान तो होंगे ही, साथ ही कई पंडालों में भी गणेश जी की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। लिहाजा महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक खास तैयारी हो रही है। मूर्तियों को बनाने का काम जोरों पर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जितने भी शिल्पकार हैं वो अब गणेश जी की प्रतिमा को अंतिम रूप जो है, अंतिम आकार जो है वो देने में किस तरीके से जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान गणेश की प्रतिमाओं को जो है यहाँ पर अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें उनकी साज सज्जा का जितना भी सजावट का कार्य है वो बेहद ही बारीकी के साथ किया जा रहा है।
यहाँ 1 से 12 फीट तक गणपति की मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं। बताया गया कि इनकी कीमत 1500 से 30,000 तक की है। पुरुषों के साथ साथ महिला मूर्तिकार भी मूर्तियों को बनाने के काम में लगातार जुटी हैं। कारीगरों को उम्मीद है कि इस बार उनकी मूर्तियों की अच्छी बिक्री होगी। हम ये 1-1.5 महीने पहले से आ जाते हैं, हम लाते हैं, इनको कलर करते हैं, इनकी फिनिशिंग देते हैं, डेकोरेशन करने में हमें एक महीना लग जाता है। 1 महीने के बाद से इनकी बुकिंग चालू हो जाती है, जैसे 10-15 दिन के अंदर ही। दिल्ली ही नहीं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों में भी गणेश चतुर्थी की तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भी गणपति को बनाने और उनके मुकुट को सजाने का काम तेजी से चल रहा है। इस बार राम मंदिर बनने के बाद अब गणपति की प्रतिमाओं के साथ बनाने में श्री राम की भी झलक दिख रही है। 8-10 तरह की डिजाइन है, एक राम मंदिर वाली बनी है, एक शेर वाली बनी है, दो हाथी वाली बनी है, एक सोफा वाली बनी है, हर चीज की मूर्ति बनाते हैं। किस तरह की मूर्तियाँ बनाई है? छोटी बड़ी सभी। क्या डिजाइन बनी है? डिजाइन सभी नहीं है। जाहिर है गणेशोत्सव को लेकर अभी से रंग जमने लगा है, अब बस इंतजार गणेश चतुर्थी का है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में आज जन्माष्टमी पर साल में एक बार होने वाली मंगला आरती हुई। जन्माष्टमी के दिन प्रभु ठाकुर बांके बिहारी को सबसे पहले महाभिषेक करवाया जाता है, उसके बाद ठाकुर जी की मंगला आरती होती है। मंगला आरती से पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, भोग के बाद ठाकुर जी की मंगला आरती होती है। मंगला आरती में भक्तों ने अपने आराध्य प्रभु बांके बिहारी के दर्शन भी किए। पंजाब के अमृतसर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक पिता और बेटे का मिलन चर्चा का विषय बना हुआ है। ये बेटा 22 बरस बाद अपने पिता से मिला है। उसने अपने पिता और परिवार को गूगल और सोशल मीडिया के जरिए ढूंढ निकाला। देखिए कैसे जापान से आया ये बेटा अपने पिता को ढूंढने में कामयाब रहा। ये बेटा भी अपने पिता को बहुत प्यार करता है और उनकी तलाश में जापान से भारत चला आया। ऐसे में पूरे 22 बरस बाद एक बेटा अपने पिता से मिला। दिन ये पैदल ही होटल से अपने पुराने घर की ओर गूगल मैप। कहानी के बीच एक किरदार सुखपाल सिंह है। दरअसल सुखपाल 2001 में थाईलैंड में थे, तब उनकी मुलाकात सची ताकाहात नाम की जापानी महिला से हुई थी। फिर दोनों की दोस्ती हुई और 2002 में सुखपाल ने जापान में सची ताकाहात से शादी कर ली। इसके बाद साल 2003 में उनका एक बेटा हुआ, लेकिन कुछ ही समय में दोनों पति पत्नी के बीच अनबन हो गई। ऐसे में सुखपाल और सची ताकाहाता ने अलग होने का फैसला लिया। फिर सुखपाल वापस भारत आ गए और उन्होंने कुछ वक्त बाद साल 2009 में दूसरी शादी कर ली। यानी सुखपाल की 2 शादियां हुई, लेकिन पहली शादी से हुआ बेटा भी दिल में बसा था। 2004 में वापस गया, फिर डिवोर्स हो गया हमारा। वापस आने के बाद मेरे पिताजी तबीयत बहुत खराब थी, तो फिर जा ही नहीं पाया। कोशिश भी की, इनसे टच करने की भी कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया कुछ भी। हालांकि उधर जापान में सुखपाल का बेटा रिन ताकाहाता जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे वो अपने पिता के बारे में भी पूछता था। लेकिन एक दिन ओसाका यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान रिन को एक असाइनमेंट मिला, जिसमें छात्रों को अपने परिवार के बारे में बताना था। रिन को माँ के परिवार के बारे में तो पता था, लेकिन पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे में उसने गूगल और सोशल मीडिया की मदद ली। फिर वो भारत आ गया, जहां पंजाब के अमृतसर में उसने अपने पिता की तलाश शुरू की। इसके बाद उसने स्थानीय दुकानदारों को अपने पिता सुखपाल की तस्वीर दिखाई, तो दुकानदारों ने सुखपाल की पहचान कर दोनों को आपस में मिलवा दिया। फिर जब रिन अपने पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों से मिले तो भावुक हो गए। चलो हुण मेल हो गया, अजे ते सुपना ही लग रहा सारा कुछ। कितना कल्चर लगा उन्हें पंजाब दा? कल्चर पंजाब दा उन्हें बहुत पसंद आया, क्योंकि हाफ ब्लड पंजाब दा, उहदा बहुत उन्हें पसंद आया पंजाब दा कल्चर। हाँ जी। सुखपाल की भारत में शादी गुरिंदर कौर से हुई है और दोनों की एक बेटी एवलिन है। अब एवलिन को भी अपना एक भाई मिल गया है। दोनों इस रिश्ते को लेकर काफी खुश है। जल्द रिन का वीजा खत्म होने वाला है और उसे जल्द जापान लौटना है, लेकिन यकीनन ये असल जिंदगी की असल कहानी भारतीय रिश्तों की आत्मीय गहराई को भी दिखाती है,
जिसमें एक लगाव, एक भावनात्मक रिश्ता एक दूसरे को करीब खींच ही लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको मिलवाते हैं कैसे परिवार से जिनके पांच में से चार सदस्यों की एक ही किडनी है। महाराष्ट्र के सांगली के इस वाघमरे फैमिली की कहानी बेहद मार्मिक है, जिसमें बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए माता पिता ने अपनी एक एक किडनी बच्चों को दे दी और अब परिवार के चारों सदस्य एक एक किडनी के साथ जी रहे हैं और खुश हैं। ये आंसू खुशी के हैं, खुशी जो एक कड़े संघर्ष से गुजरने के बाद मिली है। महाराष्ट्र के सांगली में ये दीपक और पल्लवी वाघमरे का परिवार है। इनके दो बच्चों की किडनी में इन्फेक्शन था। बेटा अनिकेत और बेटी शोभा दोनों डायलिसिस पर थे। बच्चों को इस हाल में देखकर माता पिता खुद को बेबस और लाचार पाते थे। अकेले में आंसू बहाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि लंबे समय तक इलाज के इस तरीके को अपना पाते, लिहाजा किसी की सलाह पर वो नानावटी अस्पताल पहुंचे और जब डॉक्टर ने बताया कि वो अपनी किडनी देकर अपने बच्चों को इस दर्द से छुटकारा दिला सकते हैं और उन्हें नई जिंदगी दे सकते हैं, तो वो फौरन राजी हो गए। ट्रीटमेंट के दौरान वो सभी डॉक्टर ने बोला तीनों बच्चों का चेक करो, मेरे भी तीन बेटे हैं, तीनों बच्चों का चेक करने में वो उसका भी सामने आ रहा है, अनिकेत का भी। तो थोड़े दिन वो इसका डायलिसिस चल रहा था, उसका गोली पर चल रहा है, फिर आठ नौ महीने पीछे उसके वो भी डायलिसिस पे आ गए। तो हम दोनों ने क्यों किया कि हम लोग अपने बच्चों को किडनी दे के नया जीवन दे। पिता से बेटी का ब्लड ग्रुप मैच हो गया और आसानी से दीपक वाघमरे की एक किडनी उनकी बेटी शोभा वाघमरे में ट्रांसप्लांट कर दी गई। लेकिन माँ से बेटे अनिकेत का ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ। ऐसे में डॉक्टर की सलाह पर अनिकेत की माँ ने अपनी किडनी अस्पताल को दे दी और बदले में एक नर्स की किडनी उसके बेटे को लगाई गई, जिससे उसका ब्लड ग्रुप मैच करता था। यानी माता पिता ने अपनी एक एक किडनी देकर अपने बच्चों को नई जिंदगी दी। फादर की किडनी डॉटर में डाल दी और वो दोनों लोगों की एक एक किडनी अच्छी चल रही है और उसके बाद ये स्वाप ट्रांसप्लांट के माध्यम से अनिकेत को एक्सचेंज में एक किडनी मिली। जो नर्स थी हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, उनके वाइफ जो आगे आए थे डोनर बनके, तो उनकी किडनी अनिकेत को लग गई तो अनिकेत की भी एक किडनी चल रही है और मदर की जो हमने एक्सचेंज में किडनी ली जो अनिकेत को देनी थी पर ब्लड ग्रुप नहीं मैच होने की वजह से हमने उनको ये ऑफर किया कि आप स्वाप ट्रांसप्लांट में जाइए, इसका आउटकम अच्छा होगा और भगवान की दया से सारे पेशेंट सब अच्छे चल रहे हैं। अब भले ही इस परिवार के हर सदस्य के पास एक ही किडनी है लेकिन अब सब खुश है। हालांकि संघर्ष के दिनों को याद करके माँ की आंखें अब भी नम हो जाती हैं। बच्चों का मुस्कुराता चेहरा देखकर पिता भावुक हो जाते हैं। मैं बेटे बेटी और बेटा और बेटी का पता चल गया डायलिसिस पर, उसका किडनी फेल हो गया, हमारा एडमिट करे, हमारी परिस्थिति नहीं, लेकिन हमने 3 लाख रुपए जमा किए। डायलिसिस कर का आके बहुत मेरी बच्ची थक जाती थी और खाना भी जाता नहीं था, उसको बहुत अमरती थी और डायलिसिस पर बहुत भूखा रहता था, बहुत मानी मुझे कैसा तो हो रहा है। किडनी डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता था ना, महीने महीने को लेके जाना, उनका भी पैसा बहुत होता था, तीन इसका 3,000 उसका 4,000 अनिकेत का, ऐसा हम जोड़ जोड़ के पैसा इकट्ठा करके लेके आते थे। अच्छी बात ये रही कि दीपक और पल्लवी के इस संघर्ष में वो अकेले नहीं थे, कई सामाजिक संस्थाओं ने उनकी मदद की जिससे वो नानावटी अस्पताल तक पहुंच पाए और उस डॉक्टर से मिल पाए जिनके सही मार्गदर्शन से आज उनका परिवार खुशहाल है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे। देखिए, स्कूलों की महंगी फीस जहां पेरेंट्स को हर महीने परेशान कर देती है, तो वहीं प्रयागराज में 1 रुपए में बच्चे कॉन्वेंट स्कूल जैसी शिक्षा पा रहे हैं। ये सारे बच्चे स्लम एरिया के हैं, आज उनके पास अच्छी ड्रेस है, कॉपी किताबें हैं, कंप्यूटर के माध्यम से उन्हें अच्छी शिक्षा दी जा रही है। ये सब हुआ कैसे, चलिए आपको दिखाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज के बैरहना चुंगी इलाके में स्लम के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की अलग जगह रहा है एक स्कूल। इस स्कूल के जरिए गरीब बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक छात्र अभिषेक और उनके कुछ साथियों ने।
प्ले स्कूल से कक्षा एक तक खुले इस मॉडर्न स्कूल का ध्येय वाक्य है, भिक्षा नहीं शिक्षा चाहिए। दरअसल इस स्कूल में ये बच्चे कॉन्वेंट स्कूल जैसी शिक्षा पा रहे हैं। यहाँ प्रतिदिन एक रुपए के हिसाब से महीने में 30 रुपए की फीस में ड्रेस, कॉपी, किताबें तो बच्चे पाते ही हैं। यहाँ कंप्यूटर के जरिए उन्हें अच्छी शिक्षा दी जा रही है। यहाँ पे प्रतिदिन सिर्फ 1 रुपए बच्चों से फीस लिया जाता है, मंथली पे 30 रुपए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं है तो उनसे हम किसी तरह का शुल्क नहीं लेते हैं। और यहाँ पे पूरी तरीके से जैसा आप देखते हैं कि ये बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है, क्योंकि ये ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे एजुकेशन में इनका इंटरेस्ट नहीं होता, तो हम इंटरेस्ट डेवलप करने का काम करते हैं। हमारी जो टीचर्स हैं इस पे पूरी कोशिश करते हैं कि इन्हें अच्छे संस्कारों से जोड़ा जाए। और जो एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल करते हैं महंगी फीस लेकर के, हम सिर्फ 1 रुपए प्रतिदिन देने का काम कर रहे हैं। सबसे खास बात है कि इन बच्चों को पढ़ा रहे ये लोग खुद स्लम बस्तियों से निकल कर अपनी पढ़ाई कर भी रहे हैं, वहीं इन मासूमों को भी शिक्षित कर रहे हैं ताकि इनका भी भविष्य सुधरे और समाज में ये अपनी एक अलग पहचान बना सकें। मैं यहाँ पे पढ़ाई भी करती हूँ, प्लस यहाँ पे प्ले स्कूल में पढ़ाने का भी काम करती हूँ। और मैं भी यही इस्लाम एरिया से ही आती हूँ, जो बगल में बस्ती है दारागंज। और मैं यहाँ पे पढ़ने के साथ साथ छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करती हूँ ताकि वो हमारे जैसे बच्चे भी पढ़ के आगे बढ़े और शिक्षित हो। पढ़ने से ज़्यादा हम ये जरूरी है कि हम बच्चों को मजा आना चाहिए कि हम किस तरह को उनको पढ़ा रहे हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करते हैं ताकि वो आगे चल के अच्छा काम कर सके और कुछ कर सके। और जैसे ही मुझे पता कि यहाँ पढ़ाना है बच्चों को, तो मैं यहाँ भी ज्वाइन हो गई, यहाँ भी बच्चों को पढ़ाने लगी। वो बच्चों को जो स्लम एरिया से आते हैं, जिन्हें बहुत ज़रूरी है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जिनके पेरेंट्स अच्छे अच्छे मतलब स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते थे, तो मैंने ये सोचा कि चलो मैं भी कुछ अच्छे काम कर लेती हूँ। मैं इन बच्चों को नर्सरी क्लास में मैं पढ़ाती हूँ। यहाँ बच्चे तमाम तरीके की एक्टिविटी के माध्यम से सीख रहे हैं, खेल खेल में पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं और मन चाहे खेल खेलते हैं। हम बेसिकली एक्टिविटीज के माध्यम से सिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ फ्लोर पे और अपने बोर्ड पे जो एक्टिविटीज बनाई हुई है, इनके माध्यम से हम पढ़ाते हैं ताकि ये अच्छे से पढ़ सके। क्योंकि अगर हम इनको पहले दिन से ही रटवाना शुरू कर देंगे तो ये बच्चे पहले दिन ही स्कूल छोड़ देंगे। इन लोगों को एक्टिविटीज के माध्यम से हम पढ़ाते हैं ताकि इनका भी मन लगे और खेल खेल में ये अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। स्कूल संचालक अभिषेक अपने कुछ लोगों के सहयोग से इस स्कूल को चला रहे हैं। पहले वो एक पार्क में स्लम के बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन अब इस स्कूल के जरिए इन बच्चों का जीवन रोशन कर रहे हैं ताकि इन नौनिहालों का भविष्य संवरे। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। अमूमन रेलवे और ट्रेनों को लेकर लोग अलग अलग मुद्दों पर शिकायत करते रहते हैं, लेकिन इस बार रेलवे स्टाफ ने कुछ ऐसा काम किया है जिस पर रेलवे और उनकी काफी तारीफ हो रही है। दरअसल बिहार के समस्तीपुर के पास एक ट्रेन में गर्भवती महिला दर्द से जूझ रही थी, जिसके बाद रेलवे स्टाफ उसकी मदद के लिए आगे आया। ये तस्वीर इंसानियत की बड़ी मिसाल है। ये तस्वीर बताती है कि मानवीय संवेदनाएं आज भी सबसे ऊपर है। दरअसल रेलवे की मेडिकल टीम ने ट्रेन की जनरल बोगी में यात्रा कर रही एक महिला का सुरक्षित प्रसव करवाया। इस काम की काफी तारीफ हो रही है। ये मामला नई दिल्ली से सहरसा जाने वाली वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का है। इसके जनरल बोगी में एक गर्भवती महिला सफर कर रही थी। इस दौरान समस्तीपुर स्टेशन से पहले उसे प्रसव पीड़ा हुई। ऐसे में तुरंत इसकी सूचना रेलवे के कंट्रोल रूम को दी गई। इसके बाद आरपीएफ और मेडिकल टीम को अलर्ट कर दिया गया। फिर जैसे ही ये ट्रेन समस्तीपुर स्टेशन पहुंची, तो मेडिकल टीम ने जनरल बोगी में चढ़कर सबसे पहले महिला के चारों ओर चादर से घेरा बना दिया। इसके बाद डॉक्टर रेखा साहू ने अपनी टीम के साथ महिला की डिलीवरी करवाई। बताया गया कि इस दौरान वैशाली एक्सप्रेस समस्तीपुर स्टेशन पर ही रुकी रही। जैसे ही वहां डिलीवरी करवाने का काम पूरा हुआ तो ट्रेन में खुशी का माहौल छा गया। जाहिर है देश में ऐसी तस्वीर वाकई दिल जीत लेती है। एक छोटी सी कोशिश, एक छोटी सी पहल ने न सिर्फ महिला की जान बचाई बल्कि नन्ही जान को भी नई जिंदगी दी। समस्तीपुर से जहांगीर आलम, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं लंच टाइम के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत के कहे विचार।
स्वामी विवेकानंद ने कहा है, किसी दिन अगर आपके सामने कोई समस्या ना आए तो समझ लीजिए आप गलत मार्ग पे हैं। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं, मुलाकात होगी आप सभी के साथ अब कल। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए गुड न्यूज़ चैनल।